अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आपको आज मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दुनिया का सबसे छोटा गिरगिट इंसानी नाहन से भी छोटा। वीडियो में आगे चल के हम कुदरत के इस शाहकार की तफसील आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। मडगास्कर और जर्मनी के साइंसदानों ने जजीराए मडगास्कर के शुमाली हिस्से में जंगलात से एक ऐसा गिरगिट दरियाफ्त किया है जो सिर्फ 0.7 इंच यानी 19.3 मिलीमीटर लंबा है। ब्रोकेशिया नाना कहलाने वाला यह गिरगिट इतना छोटा है कि इंसानी नाखून पर आराम से समा सकता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे छोटा गिरगिट होने के अलावा मुख्तसर तरीन यानी स्मॉलेस्ट रेप्टाइल भी करार दिया गया है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के ताज़ा शुमारे में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक मेडगास्कर के जंगलात से इसकी सिर्फ एक मादा और एक नर ही मिले हैं। ताहम इस किस्म के दूसरे गिरगिट इन ही जंगलात में छुपे हो सकते हैं। ब्रोकेशिया नाना अल मारूफ नैनो गिरगिट के नर और मादा दोनों ही बालिग हैं, जिनमें मादा की लंबाई नर के मुकाबले में निस्बतन लंबी है। नैनो गिरगिट में नर की जिस्मानी लंबाई 13.5 मिलीमीटर जबकि दुम समेत लंबाई 21.6 मिलीमीटर है। मादा नैनो गिरगिट की लंबाई जिस्मानी लंबाई 19.2 मिलीमीटर जबकि दुम समेत लंबाई 28.9 मिलीमीटर है। कदरे आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि इस गिरगिट की जिसामत एक आम चींटी से कुछ ही ज़्यादा है। तहकीकती रिपोर्ट्स के मुसनफीन को खदशा है कि गिरगिट की ये नई दरियाफ़त शायद पहले से ही ख़तरे से दोचार है, क्योंकि मडगास्कर के इस हिस्से में जंगलात की बेदरेग कटाई जारी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का कुदरती हयाती माहौल बड़ी शिद्दत से मुतासर हुआ है। अलबत्ता इन्हें उम्मीद है कि इस जैसी हज़ारों दूसरी जानदार अनवाए मुकम्मल महदूमियत से बच जाएंगी, क्योंकि हाल ही में इस इलाके को शिकार और जंगलात की कटाई से महफूज इलाका करार दिया गया है, जिसके बाद ना तो यहाँ किसी जानवर का शिकार किया जा सकता है और ना ही जंगलात की कटाई हो सकती है। इस कटाई के रुक जाने के बाद माहरीन को ये उम्मीद है कि इससे जानवरों की अफजाइश में यहाँ बेहतरी आएगी। आई होप गाइस कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।